बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखारमंद मलक। आज मैं बात कर रहा हूं प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने वाले चैनल इलेक्ट्रिक वर्ल्ड के लिए। इलेक्ट्रिक वर्ल्ड वो चैनल है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक के रिलेटेड लोगों को एजुकेट कर रहा है और लोगों को इसके रिलेटेड अवेयरनेस देकर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक को लोगों के इस्तेमाल में लाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है कि इलेक्ट्रिक बाइक का चलाने का क्या बिहेवियर होना चाहिए। देखिए, आज तक चूंकि पाकिस्तान में जो बाइक चल रही है वो है पेट्रोल बाइक, और पेट्रोल बाइक चलाने का बिहेवियर बिल्कुल अलग है और इलेक्ट्रिक बाइक चलाने के लिए बिहेवियर अलग चाहिए। वो अलग बिहेवियर जब तक हम अपनाएंगे नहीं, तब तक हम इलेक्ट्रिक बाइक से वो फायदा और वो माइलेज और वो इसकी स्पीड हासिल नहीं कर सकेंगे, जब तक हम ये समझ नहीं लेंगे कि जो हम इस वक्त चला रहे हैं वो पेट्रोल बाइक नहीं, इलेक्ट्रिक बाइक है। दोस्तों देखिए, पेट्रोल बाइक को भी जब अगर आप चौथे गियर पर, फोर गियर पर डाल दें स्टार्ट के अंदर और उसको रेस देकर चलाने की कोशिश करें, तो यकीनन वो नहीं चलेगी। उसको पहले फर्स्ट गियर पे लाना पड़ेगा, उसको पिक देकर चलाना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता रेस देकर गियर बढ़ाने पड़ेंगे और उसके बाद वो बाइक बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस पूरा देगी। जो इलेक्ट्रिक बाइक होती है इसके अंदर गियर नहीं होते, ये ऑटो होती है, यानी कि इसका स्टार्ट ही चौथा गियर। इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम इसको चलाने के लिए बिल्कुल स्लो रेस देकर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसको चलने दें। जब ये अपनी थोड़ी स्पीड पर आ जाए, जिस अंदाजे से आपका पेट्रोल बाइक का फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर लगता है, इसी तरह से इसको स्पीड देंगे तो यकीनन आपकी बाइक आपको पेट्रोल बाइक ही की तरह मजा देगी, उसी तरह माइलेज और स्पीड देगी। मैं आपको अपना जाती एक्सपीरियंस बताता हूं कि हमारे शोरूम से जो है ना बाइक जब बिकती है तो कुछ लोगों का ये पैगाम आ जाता है, फोन आ जाता है कि जनाब हमारी बाइक ने जो आपने कहा था 80 किलोमीटर करेगी तो ये तो 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं कर रही। हम भी न्यू थे, हमें भी इसके बारे में इतना इलम नहीं था, हम समझते थे शायद कोई बैटरी में प्रॉब्लम होगा। लेकिन दोस्तों, तजर्बे के बाद ये बात सामने आई कि जो लोग आप बाइक को चलाते वक्त अपना बिहेवियर इलेक्ट्रिक बाइक की तरह उसको चलाते हैं, अपना चेंज कर लेते हैं बिहेवियर, तो वो माइलेज ज्यादा पाते हैं। वो इस तरह हुआ कि जब हमने एक कस्टमर को बाइक दी, वो लेकर गया तो उसने कहा जी कि मेरी तो 40 किलोमीटर के बाद बंद हो गई है और अब मुझे जाना है 20 किलोमीटर और मैं आपको इसको लोड कर लेके जा रहा हूं। हमारे लिए भी बड़ी परेशानी की बात थी, बहरहाल उनको इसकी एहतियातें बताई तो वो खैर उसके बाद 2, 3, 4, 5 दफा उसको चार्ज और डिस्चार्ज करने के बाद उसकी माइलेज सेट हो गई। इसी तरह एक और कस्टमर हमसे बाइक ले गया जो कि गुजरा वाला से, उसने सियालकोट जाना था। हमने उनको स्टार्टिंग में सबका एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए मैंने उनको एजुकेट किया कि भाई ये इलेक्ट्रिक बाइक है, इसको एक तो झटका दे के नहीं चलाना, इसको स्लो स्लो इसको जो है ना रेस देनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी माइलेज पे जाने देना है। कुछ चलाने के लिए एहतियात भी ज्यादा चाहिए, आपको अपना बिहेवियर बहुत सेफ चाहिए, उसको गिरने से बचाना है, उसको बहुत ज्यादा जोर से टच नहीं करना, उसको अपनी जो है ना टेक्नोलॉजी के मुताबिक यूज करेंगे तो यकीनन वो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरी इन बातों पर आप अमल करेंगे। जो लोग भी किसी भी कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक खरीद रहे हैं, अगर वो इसको इन एहतियातों के साथ इस्तेमाल करेंगे, लाइट्स ब्रेक्स ज्यादा नहीं लगाएंगे और जो ना इसको अपनी रफ्तार के मुताबिक इसको चलने देंगे तो यकीनन आपकी ये माइलेज ज्यादा देगी। दोस्तों यकीन कीजिए मेरी बात का कि अगले दिन हमें जो कॉल आई उस कस्टमर की, तो वो उनकी कॉल आई कि जनाब मैं 87 किलोमीटर चलाकर गुजरांवाला वाडा टाउन से सियालकोट पहुंच गया हूं और अभी भी मेरी बैटरी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों ये फर्क है, एकदम से रेस नहीं देंगे, झटके से नहीं चलाएंगे
ओवरलोड नहीं इस पे करेंगे, ज्यादा लाइट्स को यूज नहीं करेंगे, ज्यादा बार बार ब्रेक को यूज नहीं करेंगे, तो यकीन ये माइलेज इलेक्ट्रिक बाइक उतनी ही देगी जितनी कि कंपनी जो है ना क्लेम करती है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।